अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी के आह्वान पर किसान सभा के कुछ चुनिंदा नुमाइंदों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के भिवानी स्थित आवास पर मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि मंत्री उनसे बातचीत करें, क्योंकि 23 अगस्त के प्रदर्शन में उन्हें बातचीत का आश्वासन मिला था, लेकिन आज 2 सितंबर को खुद उनके आवास पर मांगों को लेकर बातचीत के लिए पहुंचे हैं। इसलिए इकट्ठा हुए और आगे की क्या रणनीति बनाई गई? सुमित, राज्य सचिव अखिल भारतीय किसान सभा, आज जो है किसान सभा की हरियाणा की जो राज्य कमेटी है उसके चुनिंदा नुमाइंदे भिवानी कृषि मंत्री के आवास के बाहर हम लोग बैठे हैं। हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? हमने जो अभी जो है अगस्त महीने में ही शुरुआत में ही हमने कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उसका मुआवजा हमें चाहिए। जल भराव के चलते जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की हमारी मांग है, कृषि मंत्री हमें मिलने का समय दे। लेकिन कृषि मंत्री ने कोई समय हमें नहीं दिया मिलने का। उसके बाद अभी 23 तारीख को भी हजारों की संख्या में यहाँ पे किसानों ने जो है प्रदर्शन किया। और हमारे मुद्दे असल में क्या है, जो काम असल में खुद सरकार को करना चाहिए। आज हरियाणा के 11-12 जिले ऐसे हैं जिनमें बाढ़ प्रभावित है, जो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जल भराव है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया। और जो मुआवजा दे रही है वो भी बिल्कुल नाकाफी है। 15,000 रुपए की उसमें है, 5 एकड़ तक का मुआवजा मिलता है, ये बिल्कुल जो है सरासर एक तरह से किसानों के साथ धोखा है। इसलिए हमारी मांग ये है कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी पूरे की भरपाई की जाए। इसके साथ ही आप देखें, ये जो सूखे की मार से भी काफ़ी बड़ा एरिया जो आज प्रभावित है, वहाँ पर न कोई गिरदावरी करवाई जा रही, न कोई सरकार ने चिट्ठी निकाली है। ये भी हमारा एक प्रमुख तौर पे मुद्दा है, जो सूखे से फसल बर्बाद हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी की जाए। इसके साथ ही हरियाणा के आज लगभग 1300 करोड़ रुपए बीमा क्लेम लंबित है, लेकिन कोई सरकार, ये हरियाणा सरकार जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इस बात पे कि उन किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी जो है बेमौसमी बारिश से, पाड़े से, ओलावृष्टि से रबी 2023 की फसल बर्बाद हुई, उन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो इन तमाम मुआवजे के सवालों को लेके हम बार बार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री कोई सुनाई नहीं कर रहा। और 23 तारीख को जब हमने प्रदर्शन किया तो उसमें इनके अधिकारियों ने और ये हमें आश्वस्त किया था कि हम 31 तारीख को या 1 तारीख को हम आपको मिलवाएंगे। हमने आह्वान किया था अगर 1 तारीख तक हमें हमारी बात कृषि मंत्री से नहीं कराई तो 2 तारीख को हमारी राज्य कमेटी यहाँ पे आज धरना देगी। और उसी के तहत आप देख सकते हो कृषि मंत्री के आवास के बाहर किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी ने आज धरना लगाया है। तो सर अनिश्चित है, हमारी लड़ाई तो चल ही रही है। आज फतेहाबाद के अंदर धरना है, हिसार के अंदर धरना है, रोहतक में लगातार लड़ाई जारी है। जब तक कृषि मंत्री इन तमाम मुद्दों के ऊपर किसानों से बात नहीं करेगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं। नाम है और क्या चेतावनी देना चाहोगे? फूल सिंह शौकंद, राज्य उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें कृषि मंत्री के चाहिए तो कृषि मंत्री ने बुला के बात करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी तो अहंकार की हमें अचंभा होता है कि इतना अहंकारी मंत्री हमने आज तक नहीं देखा। हालांकि राज सत्ता में अहंकार आता है कई बार, लेकिन जिस भी लोगों में अहंकार आया है उनको जनता ने ख़त्म भी किया है। क्यों आज ये अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे अंदर तो पता नहीं कितनी बड़ी गैस है, फूक है। यहाँ तो इतिहास है, जो लोग ये कहते थे कि मेरी तो फूक से घास जलता है, जब जनता ने उनकी फूक निकाल दी ना तो कागज भी नहीं जलाया। तो ये जो मंत्री है ये तो किस बैकग्राउंड से, आपको पता है ये पहले बंसीलाल का व्यक्ति होता था, लेकिन पैसे के बल के ऊपर ये दुर्भाग्य से MLA बन गया और मंत्री बन गया जिसका जनता से कोई वास्ता नहीं। यहाँ पर हम ये मांग करते हैं कि आज जो किसानों की हालत है जिसमें खास तौर पर मुआवजे का सवाल है, चाहे वो सूखे की वजह हो, चाहे वो बाढ़ की वजह से जो फसलें बर्बाद हो रही है उसके मुआवजे की बात हो, और चाहे जो ये बीमा क्लेम की बात है, हजारों करोड़ रुपया बीमा क्लेम का वापस जो है कंपनी यहाँ पे ऐसे लूट के जा रही है और पूरे देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपये बीमा कंपनियाँ लेगी, किसान से पैसा लेती है, सरकार पैसा जमा करवाती है, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता, वो सब लूट करके कंपनी मालोमाल हो रही है और किसान कंगाल हो रहा है। तो मुख्य कृषि मंत्री से पीछे प्रदर्शन करके ये कहा था कि आप बैठ के इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करें, बात करें, आपके बस की बात है वो बताए, वरना कह दो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन समय दिया और समय देने के बाद वो फिर मतलब जो रवैया है हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसलिए मजबूर हो के हम उनके दरवाजे के ऊपर आकर के यहाँ धरना दे के बैठना पड़ा है। उस पड़ोस में क्योंकि रिहायशी कॉलोनी है, अगर किसी को अड़ोसी पड़ोसी को थोड़ी बहुत असुविधा होती है हम उससे माफ़ी मांगते हैं, ये हमारी मजबूरी है। और हम आम जनता से, भिवानी की जनता से अपील करते हैं, खास तौर पर इस कॉलोनी के लोगों से,
कि वो हमारा सहयोग करे। ये हमारी मजबूरी, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों के ऊपर बैठने का। यही हमारी मांग है कि फौरी तौर पर वो बात करे और बात करके मामले को निपटाए। मेरा नाम बलबीर सिंह है और अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। आज चेतावनी देने कुछ नहीं आए, हम आए बात करेंगे। 23 तारीख को आपके सामने यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और उस दिन यहाँ अपने हमारे को आश्वासन दिया गया था कि 31 तारीख को या 1 तारीख को 100% आपकी बातचीत मंत्री से करवा दी जाएगी। तो हमने 31 का भी इंतजार किया, कल 1 का भी किया और हमने यह घोषणा की थी कि यदि मंत्री 1 तारीख तक बात नहीं करता तो 2 को हम आएंगे बिना बुलाए और इसकी कोठी पाएंगे, लेकिन आएगी केवल स्टेट कमेटी। और आप वो देखते हैं, उस दिन हजारों लोग थे, आज हम कुछ दर्जन लोग ही यहाँ आए हैं, बातचीत करने के इरादे से आए हैं। मंत्री जी यहाँ सुबह आए भी थे और फिर चले गए, उसके दिमाग में कोई गंभीरता नहीं है, तो इसलिए यहाँ बैठे हैं। वैसे तो अपने समाज में ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता कि किसी के बरने आगे बैठा जाए, लेकिन मंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक जिम्मेवार है, सार्वजनिक जीवन है उसका और सार्वजनिक जीवन में किसानों की बहुत सारी उम्मीदें उससे हैं, इसलिए उनका बरने पे बैठे और बात करने के लिए आए हैं, बात करना चाहते हैं। समस्याएं हमारी 2020 का मुआवजा बाकी है, 2021 का मुआवजा बाकी है, 22 का मुआवजा बाकी है, 23 का मुआवजा बाकी है। सरसों की फसल बर्बाद होगी पाले की वजह से, उसका बकाया 300 करोड़ का यहाँ केवल भिवाणी का भेजा गया खराबा और यहाँ फिर 5-4 करोड़ में समेट दिया गया। कणक की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान, ओलावृष्टि से भी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी मार्च के महीने में, जिससे बहुत बड़ा खराबा था, उसको भी समेट दिया गया। और अभी तो एक ताजुब की बात है, आपने शायद कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि फेरे तो पहला लहर सगाई फेरो है। यहाँ ऐसा ही काम कर गया सरकार ने, बीमा कंपनियों को बीमा के अलॉट कर दिए डिस्ट्रिक्ट और वो डिस्ट्रिक्ट अब तक बीमा कंपनियों ने कोई शुरुआत नहीं करी। और आपको ये जानकर बड़ा ताजुब होगा, बिना बीमा कंपनी अलॉट हुए भी बैंकों ने किसानों के खाते से पैसा काट लिया, जबकि बैंक के पास अभी ये रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कौन सी फसल बोर की थी। किसान ने फसल का ब्यौरा भी दे दिया और आज वह फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ मूंग होता है, इस एरिया में बाजरा होता है, ग्वार होता है, उस जगह पर दूसरी जो छोटी फसलें हैं वो बिल्कुल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई और अभी तक बीमा कंपनी के पास पैसा जमा नहीं हुआ। जिस दिन बीमा कंपनी पैसा लेगी वो कहेगी खेत तो खाली पड़े, तो एक तो उन किसानों का क्या करेगी सरकार, आज बीमा कंपनियों को पैसे देने का क्या तरीका बाकी रहेगा। दूसरा, मंत्री जी मंत्री हैं कृषि कल्याण के और कृषि कल्याण के लिए किसान पूरा प्रदेश से आए थे, आज भी हम बात करने आए और वो बात नहीं करना चाहते, तो इस अवस्था में बैठने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था और ये भी बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं, आज बात करना चाहते हैं। बात आज होती है तो ठीक है, बात नहीं होती तो यह अनिश्चितकालीन होगा हमारा धरना, दिन रात चलेगा और पूरे हरियाणा से लोग आएंगे यहाँ पर। अच्छा तो ये होता कि कृषि मंत्री समय देता, अपने ऑफिस में बुलाता, वहाँ अधिकारी भी होते, बीमा कंपनियों के एजेंट भी होते और बीमा कंपनियाँ तो इतनी हैवी होगी, पिछले साल आपको शायद बहुत जगह पता लग गया होगा, CSC सेंटर में जिन किसानों का बीमा होया था एक कलम से रिजेक्ट कर दिया बहुत बड़ी संख्या में, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हुआ क्योंकि बहुत किसान ने क्रेडिट कार्ड वहाँ भी हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया। ये मनमानी नहीं चलेगी, बीमा कंपनियों की लूट बंद करनी होगी और मंत्री ने किसानों का प्रतिनिधि है, किसानों का पहरेदार बनना पड़ेगा, यदि ऐसा नहीं करता तो किसान चुप रहने वाले नहीं है। हम यहाँ दिन रात का 24 घंटे का धरना भी लगावेंगे और जरूरत पड़ी तो मंत्री के क्षेत्र में हर गाँव में जाकर उनके जवाब मांगेंगे और लोगों को तैयार करेंगे, जिस भी गांव में जाएगा वहां पर लोग पूछेंगे कि आज कैसे आप आ रहे हो यहां पर,
आपके वरना आगे बैठे थे किसान, आपने बात नहीं करनी चाहिए। तो आज उनका दिन है और कल से हमारा दिन है। फिर हम भी जिस हमारे से होगी हर तरह की बात यहाँ करेंगे, लेकिन किसान सभा का एक रिकॉर्ड है कि हम शांतिपूर्वक काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा 23 तारीख को हजारों हजार की संख्या में होते हुए भी हमने बहुत शांति प्रिय ढंग से मार्च किया और जहां रोका गया वहां रुके, लेकिन ये मनमर्जी नहीं चलेगी। हमारी शांति को, हमारे इस अनुशासन को कमजोरी ना मानना चाहिए, ये भी जागरूक करने के लिए आज हम यहाँ आए थे। और आपको मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि प्रदेश और देश में आप हमारी खबरों को भेज रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कृषि कल्याण मंत्री जेपी दलाल को तो वार्निंग देते हैं कि आपने किसानों से बात करनी पड़ेगी, और हरियाणा की जनता से अपील करते हैं कि यहाँ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी होती है तो आप तैयार रहिए, हम बिल्कुल अपना एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और मंत्री के गेट पे बैठे और यहीं रहेंगे जब तक उचित बात नहीं होगी और उचित ढंग से हमारे मुद्दों का निपटारा नहीं होगा। मैं एक बार आपका और आपके चैनल का फिर आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।